जी, मैं कर्नल हेमचंद्रा सिंह हूँ, प्रिंसिपल जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स। आज हम फ्लैग इन सेरेमनी के लिए आए थे, जिसमें हमने रिसेंट पास्ट में बेसिकली जून, जुलाई और अगस्त के महीने में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के रीजन में 9 चोटियों को क्लाइंब किया था, जिसमें लगभग चार चोटियां उसमें 6200 मीटर के आसपास की थी, दो चोटियां 6600 मीटर से ऊपर की थी और तीन चोटियां 5300 मीटर के आसपास की थी। तो आज यहाँ पे आप आए, गवर्नर साहब से मिले, तो कैसा लगा पूरे टीम को? जी, गवर्नर साहब का हमारे इंस्टीट्यूट के ऊपर विशेष हाथ रहा है। मैं देख रहा हूँ कि 2021 से जब हमने एवरेस्ट किया था तब भी गवर्नर साहब ने फ्लैग इन किया था, फिर 2022 में हमारा ईसी मीटिंग किया था और 2023 में पिछले साल हमने नुनकुन एक्सपीडिशन किया था, उसके लिए भी फ्लैग इन किया था और इस बार फिर से फ्लैग इन किया। इससे एक तो हमारे इंस्टीट्यूट का नाम काफी जगह जाता है, लोग इसके बारे में जानते हैं, और दूसरा हमारी जो पर्वतारोही लोग हैं उनका एक इज्जत मिलती है, उनको एक हौसला अफजाई उनकी होती है और उनका आत्मबल बढ़ता है। इससे बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी आपने बनाए हैं। हाँ जी, इस बार हमने कोशिश करी थी जिसमें हमने तीन रिकॉर्ड बेसिकली बनाए थे, 4-6 हजार मीटर से ऊपर की चोटियों को जो कि मरखा वैली के इलाके में है, जिसको हमने 11 दिन के अंदर समिट किया, जिसमें माउंट कांग्यात्से 2, कांग्यात्से 1, जोजोंगो 2 और जोजोंगो 1 थे। इसके अलावा हमने दो चोटियां जो 6600 मीटर के ऊपर की थी और जिनको 2010 के बाद क्लाइम नहीं हुआ था, माउंट चमसर और माउंट लुंगसर, उनको हमने 3 दिन में समिट किया। और इसके अलावा जोजिला के रीजन में हमने 3 चोटियों को 1 दिन में समिट किया था और पहली बार माउंट कांग्यात्से 2 से और माउंट चमसर से हमने स्नोबोर्ड डाउन किया, तो ये कुछ कीर्तिमान थे हमारे इस बार।